कैसे हैं आप सब आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल एवरी डे इंग्लिश विद आमना माई नेम इज आमना पास ईयर्स एंड टूडेस अबाउट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन द लेटर राइटिंग सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं आर्ट्स का राइटिंग पार्ट काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते और इसमें हमेशा मार्क्स कम आते हैं चाहे हम प्रैक्टिस भी कर लें ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ तो आर्ट्स के राइटिंग एग्जाम में हमारे पास टू टास्क होते हैं नंबर वन इज़ लेटर राइटिंग एंड सेकेंड इज ऐसे राइटिंग अच्छा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि, कि कोई भी एग्जाम हो उसकी प्रिप्रेशन के लिए अगर आप एक टेक्निक को जहन में रख लें कि हर एग्ज़ाम को क्रैक करना जोन सा है वो एक फार्मूला बेस्ड होता है या एक उसकी टेक्निक रहती है अगर ये जहन में रख लेंगे तो हर तरह का

हैं कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आज के लेक्चर में हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स और उनके सोल्यूशन योर स्कोर एंड तक वीडियो को लाजिम देखना और जहां से भी समझ नहीं आया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइप्स ऑफ लेटर्स अच्छा लेटर क्या होता है अब ये में रख लें कि एक रिटर्न मैसेज है आप किसी को रिटर्न मैसेज कर रहे हैं या तो वो आप किसी अपने कलीग को कर रहे हैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कर रहे हैं फॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल लेटर है तो ये तरह का टाइप आपने समझना वो क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम किसी को कंप्लेन कर रहे हैं या नेबर को लिख रहे हैं फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका आपने कैटेगोरिकली ही उसका स्टाइल लैंग्वेज स्टाइल चूज करना है फॉर एग्जाम्पल आप लैंड को लिख रहे हैं बोस को लिख रहे हैं टीचर को लिख रहे हैं तो आपने फॉर्मल स्टाइल लेटर स्टाइल चूज करना है और अगर आप उनसे अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर रहता है और सेमी फॉर्मल अपने कलीग को या ऑफिशियल रिलेटेड भी आप इस तरह से चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपने लैंग्वेज स्टाइल को चूज करना है सो हेर वी हैव हैवे लिस्ट फॉर द लेटर कंटेंट अगर कंप्लेंट्स हैं तो फॉर्मल स्टाइल चूज़ करना है इनविटेशन है तो पर्सनल हो सकता है सेमी फॉर्मल हो सकता है एप्लीकेशनस हों तो फॉर्मल स्टाइल में ही आपने हमेशा लैंग्वेज चूज़ करनी है रिक्वेस्ट है तो एनी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं मेकिंग अरेंजमेंट्स हैं तो फॉर्मल कोई एक्सप्लेनेशन है तो सेमी फॉर्मल या पर्सनल सो इसी तरह से आप अपने कंटेंट के लिहाज से ही अपना लैंग्वेज स्टाइल को चूज़ करेंगे अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या रहना है सो दिस इज द वन एंड ओनली फॉर्मेट जो भी लेटर का टाइप रहे जो भी स्टाइल रहे आपने एक ही फॉर्मेट चूज करना है इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपका कोई भी टाइप रह, आपको पता होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग रहेगा देन ओपनिंग लाइन रहेंगी लेटर को फिर पैराग्राफ वन टू थ्री एंड देन साइनिंग ऑफ सो दिस इज द बेसिक लेटर फॉर्मेट यू नीड टू अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ लेटर आपने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर है तो आपने स्टार्ट करना है डियर सर मैडम और यूर्स फेतुल तो यहाँ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सिंसियरली लिखना है क्या लिखना है लेटर लिख रहे हैं आप अगर तो हमेशा योर्स फुल ही लिखना है और कोमा भी एड करना है लाजिम ठीक है स्टार्ट आपने ऐसे करना है आपका लेटर स्टार्ट होगा डियर सर या मैडम और उसका साइनिंग ऑफ होगा योर्स है विद कोमा और राइट योर फुल नेम दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर्मल फॉर्मल लेटर के लिए उसके बाद इन फॉर्मल के लिए अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई कलीग है तो आप उसके नाम से भी हाई डेव करके भी लिख सकते हैं और उसके बाद साइनिंग ऑफ के लिए ऑल द बेस्ट एक अपना शॉर्ट नेम के साथ भी उसको खत्म कर सकते हैं और सेमीफॉर्मल में डियर मिस्टर जो भी नाम रहेगा योर्स ट्रूली कैसे भी आप इनिश कर सकते हैं और राइट योर शॉर्ट एंड नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरा लेटर लिख के आते हैं सही फॉर्मेट और सही स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं फिर भी हमारे मार्क्स कम आते हैं राइटिंग लेटर में मार्क्स हाई करने के लिए आपने ये जेन में रखना है कि फोर पोशन्स रहते हैं जो ट्वेंटी फाइव परसेंट फोर डिवाइड रहते हैं तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पोर्शन इज डिवाइडेड बाय द ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है और सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही अगर ग्रामर भी ठीक है आपने ठीक है और सिंपल सेंटेंस चूज किए हैं तो मार्क्स वहाँ से हाई नहीं हो सकता आपको सिंपल एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसिस दोनों चूज करने हैं अगर ग्रामेटिकल कोई एरर है पंचुएशन कोमा फुल स्टॉप सेमी कॉलन कॉलन इस तरह के जितने भी पंचुएशन मार्क्स हैं अगर इसकी मिस्टेक है तो यहाँ से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो ये चीज़

री ट्रेंड के हिसाब से सेबलरी और पैराफ्रेजिंग करना सीनेम चूज करना तो ये भी बहुत ज्यादा मार्क्स को बूस्ट करता है और ट्वेंटी आपका लेक्सिकल रिसोर्स में से ही मार्क्स बनते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी को आपने कितना लिंकिंग किया यानी कि पॉइंट के साथ कैसे रिलेट किया जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ दूसरे से रिलेट कर रहा है देन तीसरे से रिलेट कर रहा है प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है और आइडियाज को सेपरेटली डिफाइन किया है इन ईच पैराग्राफ तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत क्लियर है जैसे क्वेश्चन में आगे हम डिस्कस करेंगे एक साम्पल क्वेश्चन रहेगा उसे देखेंगे कि लेटर का क्वेश्चन हमें किस तरह से एग्जाम में आता है और और उसमें बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं और तीनों बुलेट पॉइंट्स को भी आपने कवर करना होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25 इसमें मार्क्स जाते हैं उसके बाद टास्क अचीवमेंट ये सबसे बड़ी चीज है हम हम इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं हम हैं कहते हमने पूरा लेटर लिखा हर चीज फॉलो किया पंचुएशन फॉलो किया ग्रामर फॉलो किया वोकेबलरी भी रिच था लेकिन फिर भी मार्क्स हमारे अच्छे नहीं है क्योंकि हम ओवर कर जाते हैं हम टू वर्ड्स लिख देते हैं हमें सिर्फ वन वर्ड्स ही लिखने हैं और उससे ज्यादा नहीं लिखने टास्क अचीवमेंट मीनस कि हमने पूरे क्वेश्चन की पूरी रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा किया उसमें वर्ड्स का उसमें थ्री अगर क्वेश्चन बुलेट पॉइंट्स पूछे गए हैं तो तीनों कवर किए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमने किया है तो उसके बाद वन फिफ्टी वर्ड है लेकर वन एटी तक ही हमें हमें मार्जिन है कि हम उतना लिख सकते हैं और एग्जामिनर काउंट करता है वर्ड्स और अगर ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो वहां पर हमारे मार्क्स जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये 25 यहां से भी अपने बचाने हैं तो प्रॉपर उतने ही वर्ड्स लिखने हैं जितने रिक्वायर्ड हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की कि हमारा टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप अपने लेटर को प्रॉपरली प्लान कर लेते हैं वो टेक्निक मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगी कि कैसे प्लान करना है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना यहाँ पे बचा लेते हैं ऐसा लगता है कि प्लान करने में टाइम वेस्ट होगा इतना टाइम नहीं है तो इससे आप टाइम बचा रहे होते हैं ट्रस्ट में अगर आप पहले प्लान कर लें कि मुझे ये ये लाइन्स लिखना है ये ये आइडियाज़ को ऐसे कनेक्ट करके लिखना है और पूरी चीज़ों को इस तरह से कवर करना है अगर टॉपिक से रिलेटेड आप वैकेबलरी पहले ही साइड पर लिख लें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा सबसे पहले रीड करें उसके बाद प्लान करें थ्री टू फाइव मिनट्स लगेंगे और हार्डली आप पूरे लेटर को 150 फिफ्टी वर्ड्स ही लिखने हैं तो आपको 10 टू 15 मिनट में आप उसे खत्म करके फिर उसके बाद प्रूफ रीड भी कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक रहे तो क्योंकि आपने इस पार्ट पे टास्क वन पे सिर्फ अपने 20 मिनट ही देने हैं ये जहन में रखना है कि आपने इससे ज्यादा उसको टाइम नहीं देना क्योंकि जो सेकंड टास्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ट्वेंटी मिनट्स में ही आपको अपना लेटर खत्म करना है तो फॉर्मल लेटर के लिए आप इस तरह से ये लाइन चूज कर सकते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनफॉर्म यू दैट और आई एम राइटिंग दिस लेटर विद रिगार्ड्स टू और उसके बाद इनफॉर्मल में आप ये लिख सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन पिंक ऑफ योर हेल्थ और सेमी फॉर्मल लेटर के लिए आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट आई एम राइटिंग टू अपोलोजाइज यू सो सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन चूज इन ऑर्डर टू स्टार्ट यूर लेटर अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शुड आई राइट द एड्रेस एंड डेट लाइक अ नॉर्मल लेटर नो बिल्कुल भी नहीं लिखना आपको बिल्कुल भी डेट्स और टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइट्स की में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नो नीड टू राइट नेम एड्रेस एंड ई और कुछ भी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है और सेकेंड क्वेश्चन है आर पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट यस पैराग्राफ्स में ही आपको लिखना है और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा करना है और आपको पैराग्राफ्स में लाइन भी स्किप करना है ये भी पूछने के लाइन स्किप करें ना करें क्या इंप्रेशन रहेगा लाइन भी स्किप करके आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू ही उसको फॉलो करना है फर्दर हाउ मेनी मेन आइडियाज शुड आई इंक्लूड क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि थ्री बुलेट पॉइंट्स में ही पूछा जाता है तो वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन रहेगा उसमें थ्री बुलेट पॉइंट्स रहेंगे सो so, आपको वहाँ पे फोर मेन आइडियाज कि आप ये क्यों लेटर लिख रहे हैं उसके बाद आप ये फिर थ्री बुलेट पॉइंट्स आएंगे और देन यू नीड टू एंड अपर साइनिंग ऑफ यू लेटर नेक्स्ट वी हैव कैन यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन में से आपको कोई भी वर्ड्स नहीं लेने उसमें अगर वर्ड्स आप चूज करें उसको पैराफ्रेस करें और उसके सिने यूज करें ठीक है उसके जो सिनेम्स हैं उसके पैराफ्रेस करके वो यूज करें एक्जैक्ट वर्ड्स नहीं लें वो भी आपके मार्क्स को कम करेंगे ठीक है और शुड आई फिनिश लेटर्स ऑन द राइट और लेफ्ट हैंड आपको लेफ्ट साइड पर ही उसको फिनिश करना है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शुड आई साइन माई नेम एट द एंड नो नीड ऑफ साइन अगर आप अपना फॉर्मल लेटर लिखें तो प्रॉपर अपना फुल नेम लिखें और अगर इन फॉर्मल या फॉर्मल है तो आप अपना फर्स्ट नेम फैमिली नेम ही बस लिखें तो साइन करने की जरूरत अच्छा ये एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग का जो क्वेश्चन रहेगा टास्क वन का ये कैब्रिज सिक्सटी में से मैंने इसको एग्जाम्पल लिया है तो इस तरह से रहेगा यू शुड स्पेंड अबाउट ट्वेंटी मिनट्स ऑन दिस टास्क तो ये आपका क्वेश्चन है सबसे पहला आप देखिए स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई मुझे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके बाद राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द मैगजीन अबाउट द बुक दैट दट यू मोस्ट इन योर लेटर तो ये भी आपको समझ आ जाने की आपको एक लेटर लिखना है जो आप जो मैगजीन आपने पढ़ा है जिससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं और क्या ये थ्री बुलेट पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट Thank you. ठीक है डिस्क्राइब वट दिस बुक वॉज अबाउट एक्सप्लेन हाउ दिस बुक इन्फ्लुएंस टू यू से वेदर दिस बुक वुड बी लाइकली टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल सो राइट एटलीट वन फिफ्टी वर्ड और यहाँ से ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना वन एटी तक आप लेके जा सकते हैं और एड्रेसेस यहाँ पे रिकमेंड किया है यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि कहाँ से कैसे आपने स्टार्ट करना है डियर सर और मैडम से आप स्टार्ट कर सकते हैं सो वी हैव स्ट्रक्चर फॉर द लेटर राइटिंग तो देखिए यहाँ पे डियर सर और मैडम से ही स्टार्ट किया उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ जो एक्सप्लेनेशन था कि आई एम राइटिंग यू इन रिस्पॉन्स टू द आर्टिकल तो पूरा एक्सप्लेन

क्यों लिख रहे हैं और थ्री बुलेट पॉइंट्स एंड देन साइनिंग ऑफ आपकी एंडिंग लाइंस रहेंगी तो यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है अब रिमार्क्स देख लेते हैं कि इस लेटर के ऊपर एग्जामिनर ने क्या रिमार्क्स दिए हैं हेयर्स द एग्जामिन कमेंट्स के इस जो ये रिस्पॉन्स रहा है लेटर का वो सारे रिक्वायरमेंट्स वो दिख रहा है ठीक है गुड डिस्क्रिप्शन है कि क्यों इन्फ्लुस था और अगर इसको इम्प्रूव करने थे और मार्क्स तो वो अपने सकता था और ऑर्गेनाइज और क्लियरली था पैराग्राफ्स थे प्रॉपरली और वोकैबलरीज गुड थी स्ट्रांग थी और उसके अलावा गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कम्पलेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी चूज किया हुआ था तो ये एग्जामिनर के कमेंट्स भी है तो इसी तरीके से आपने अपने लेटर को लिखना है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि लेटर का क्या टाइप्स रहते हैं लेटर क्या है किस तरह से स्ट्रक्चर करना है और टाइम uh, मैनेजमेंट uh, भी बहुत जरूरी है मार्किंग क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद हाउ टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन अब लास्ट हमारा पार्ट रह गया है मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स एंड सोल्यूशन एंड एट टिप्स टू इम्प्रूव योर स्कोर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन uh, पूरा एक्सप्लेन करूंगी उसमें प्लान करना भी सिखाऊंगी कि कैसे प्लान करना है तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक इज योर एग्जाम प्रिपरेशन टेक केयर